दिन दिल्ली के लोगों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला ज्वलंत मुद्दा है वो है उनके घरों में आ रहे बढ़े हुए अनाप शनाप पानी के बिल। ये समस्या पिछले 1.5 साल से चल रही है। कुछ हद तक इस वजह से चल रही है कि कोविड के दौरान मीटर रीडर्स बिना मीटर रीडिंग दिए बिल देते गए, बिल बढ़ते गए। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल दिल्ली की जनता के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, पानी की किल्लत और इसके राजनीतिकरण का मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में एक खुला पत्र लिखा जिसमें उन्होंने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संबोधित किया। इस पत्र में उन्होंने दावा किया कि पानी के लिए हुई एक महिला की मौत सरकार की विफलता को दर्शाती है। उपराज्यपाल ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इस घटना का उपयोग संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया है। ये पत्र उस घटना के कुछ दिनों बाद आया जब आतिशी ने उपराज्यपाल को लिखा था जिसमें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को निलंबित करने का अनुरोध किया था। ये अनुरोध उस समय किया गया जब पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार क्षेत्र में एक सामान्य नल से पानी भरने के दौरान एक महिला की उसके पड़ोसी के साथ हुए झगड़े में मौत हो गई थी। उपराज्यपाल के पत्र में केजरीवाल के लिए लिखा गया है, मैं जल मंत्री हूँ, आतिशी के रविवार को भेजे गए असंवेदनशील संवाद से गहरी दुखी हूँ, जबकि मुझे अभी तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने पूर्वी दिल्ली में एक महिला की दुर्भाग्यपूर्ण मौत का उपयोग संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया है, सक्सेना ने आरोप लगाया। आतिशी ने इस घटना के पीछे पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को कारण बताया है जो विडंबनापूर्ण रूप से उनकी अपनी सरकार के 9 साल से अधिक के कार्यकाल की निंदा करती है। उपराज्यपाल ने कहा, उनका नोट वास्तव में पिछले लगभग 10 वर्षों की दोष निष्क्रियता और अक्षमता की प्रथम दृष्टया स्वीकारोक्ति है। उन्होंने पत्र में कहा, पिछले दशक में राजधानी में जल संकट विशेषकर गरीबों के बस्तियों में बढ़ा है। आपकी मंत्री की जल्दबाजी में भेजी गई चिट्ठी मेरे लिए आपकी सरकार की विफलताओं और प्रदर्शन की खामियों की स्वीकारोक्ति है और ये एक जटिल समस्या से जिम्मेदारी हटाने के लिए आसान प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने जोड़ा, असमान जल आपूर्ति को ठीक करने की बजाय आप और आपके मंत्रियों ने मुफ्त पानी का एक माया जाल बनाया, लोगों को धोखा देना आप और आपके मंत्री द्वारा एक कला के रूप में महारत हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा, पिछले दशक में जल उपचार क्षमता मामूली रूप से 906 एमजीडी से बढ़कर 946 एमजीडी हो गई, जो केवल 4.4% की वृद्धि है। इस अवधि के दौरान शहर की जनसंख्या में 15% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पानी की कुल कमी के बारे में 290 एमजीडी है, कुल जल आपूर्ति में से 120 एमजीडी भूजल से आता है, जो भी एक बड़ी अतिशयोक्ति है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि 16 रैनी कुओं में से 5 गैर कार्यात्मक हैं। इसी तरह बहुत सारे ट्यूबवेल भी अक्षम हैं। उन्होंने जोड़ा, अनधिकृत जल का प्रतिशत प्रसारण और वितरण हानियों, जल चोरी और गैर कार्यात्मक मीटरों के माध्यम से जल रिसाव की राशि बहुत अधिक है। इस पत्र के माध्यम से उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की जल प्रबंधन नीतियों और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल राजनीतिक बहस का हिस्सा है बल्कि ये भी दर्शाता है कि जनता की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी किस प्रकार से की जा रही है। इस तरह के मुद्दों का समाधान खोजने के लिए सरकारों को अधिक संवेदनशील और प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।